हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर विवेक कुमार के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतरराष्ट्रीय समाचारों की। द यूएस हैज अनाउंस्ड द बैन ऑन 4 ऑयल कंपनीज एंड 9 शिप्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज टू पुट प्रेशर ऑन वेनेजुएला एंड क्यूबा। अमेरिका ने वेनेजुएला तथा क्यूबा पर दबाव बनाने के लिए दोनों देशों की 4 तेल कंपनियों और 9 जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अफ्रीकन कंट्री सूडान डिफेंस मिनिस्टर असद इबन उफ क्वेत हिज पोस्ट ऑन अप्रैल 12 अन कंसिशियस सूडान वाज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द काउंसिल एंड अंडर हिज लीडरशिप देयर वाज ए कॉप ऑन अप्रैल 11 ही हैज नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहमान बुरान एज हिज सक्सेसर। अफ्रीकी देश सूडान के रक्षा मंत्री अवाद इबन ऑफ ने 12 अप्रैल को अपना पद छोड़ दिया। अवाद सूडान मिलिट्री काउंसिल के प्रमुख थे और उनकी अगुवाई में 11 अप्रैल को तख्ता पलट हुआ था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहमान बुरहान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस न्यूज रक्षा समाचारों की। नावल चीफ एडमिरल सुनील लांबा इनॉग्रेटेड ए न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट वर्चुअल रियलिटी सेंटर VRC ऑन 12 अप्रैल इन न्यू दिल्ली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू VRC इज टू प्रमोट नेवीज इंडिजीनियस वारशिप डिजाइन कैपेबिलिटीज इन नावल डिजाइन डायरेक्टोरेट। VRC विल प्रमोट सेल्फ सफिशियंसी एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस फॉर बिल्डिंग वारशिप अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने एक नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर VRC का उद्घाटन 12 अप्रैल को नई दिल्ली में किया। नए जो VRC है उसका उद्देश्य है नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना। नौसेना डिजाइन निदेशालय में VRC भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत युद्धपोत निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता और अधिकतम कार्य निष्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और इसके साथ ही साथ हमें अनअकैडमी और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।